9 न्यूज़। एसपी 9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। मोरबी पुल हादसा, अभी तक वो तस्वीरें कोई नहीं भूला। मोरबी में एक साथ इतनी लाशें देखकर मोरबी की जनता पागल हो चुकी है। आपको बता दें कि मोरबी पुल हादसे को लेकर एक इतना बड़ा खुलासा हुआ है जो कभी आप सोच भी नहीं सकते हैं। मोरबी पुल का जो जिम्मा था वो जिस कंपनी के पास था, उस कंपनी की धांधलीबाजी की वजह से जनता के साथ खिलवाड़ हुआ है। आपको बता दें कि ये हादसा अचानक नहीं हुआ है, इसकी स्क्रिप्ट 2 साल पहले लिखी गई थी। यहाँ 2 कंपनियों के पास पुल का जिम्मा आना था। दोनों कंपनियों की लड़ाई की वजह से पुल रेनोवेट पूरे तरीके से नहीं हो सका, उसको बीच में ही छोड़ दिया गया और जिसका भुगतान बेचारी जनता को करना पड़ा। उस जनता को तो पता ही नहीं था कि वो पूर्ण तरीके से अभी तक सही भी नहीं हुआ है और उसको चलता कर दिया, क्योंकि पैसा भी तो कमाना था। तो देखिए, यहाँ पर ये चीज बहुत ही गौर फरमाने वाली है कि जनता को क्या समझ लिया सरकार ने। जनता, ये वही जनता है, ये वही जनता है जिसने आपको सीएम बनाया, जिसने आपको पीएम बनाया, जिसने आपको इतने साल सत्ता की कुर्सी पर बिठाया, ये वही जनता, और आप उसी जनता के साथ खिलवाड़ कर गए। देखिए, यहाँ पर उन छोटे मोटे कर्मचारियों को बर्खास्त करके कुछ नहीं मिलने वाला। बर्खास्त करना है तो उस कंपनी के अधिकारी को करिए कि कैसे उसने ये टेंडर लेकर ये काम पूरा नहीं किया, ये सवाल यहाँ पर उठता है। और अगर ये सवाल सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या यहाँ पर ये आवाज नहीं उठनी चाहिए कि जिस कंपनी के पास इसका टेंडर था उसने यहाँ बिना किसी फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना, दूसरी बात, जो 2 कंपनियों में इसकी जिम्मे की लड़ाई चल रही थी, उन दोनों कंपनियों की झड़प के बीच यहाँ पर ये पुल की मरम्मत नहीं हुई पूर्ण तरीके से, और इसी वजह से इसके कागज पोथी पुतरे कंप्लीट नहीं थे। क्या यहाँ पर उन दोनों कंपनियों के अधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा एसपीएन 9 न्यूज के साथ। धन्यवाद।